धार चेक कर लीजिए, गाय की क्वालिटी चेक कर लीजिए, जैसी गाय उससे कोई चार कदम आगे वाली बछड़ी है साथ में। एक बात और भाई, हाँ जी, ये इसमें कोई बात हो ना इन बीस को मैं बता दूं, झांसी की रानी, हाँ जी, ये झांसी में ज्यादा चलती भैंस वो भैंस है। अच्छा जी, झांसी में ज्यादा डिमांड ऐसी भैंस, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा इस भैंस की डिमांड झांसी में ज्यादा है। ओके, क्या दूध की आशा है भाई, कितना दे देगी? भाई मेरे हिसाब से दूध ये भैंस देगी 20 प्लस। धार चेक करा दे बेटा, ये देखिए दोस्तों एक और गाय की धारे हैं, आप लोग देख लीजिए, आंचल बच्चा फोड़ रहा आप लोगों के सामने। मैं तो इधर रुक रहा हूँ भाई। दूध कितना दे देगी भाई? भाई दूध अभी 12 किलो निकाल, दूसरे मार 12 किलो निकालने वाला, तोल के दूंगा 12 किलो वीडियो कॉल पे। दो सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए साजन भाई के घर से, श्री बालाजी डेयरी फार्म से लेकर हाजिर हुए हैं जी। प्रॉपर एड्रेस खास मंडी कालांवाली, तहसील भी यही है जी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा का एरिया जी। और इससे पहले रूटीन में आप लोगों ने जितनी वीडियो भाई के घर से देखी, सिर्फ गाय साहीवाल गाय देसी ब्रीड की गाय आप लोगों को वीडियो में दिखाई जाती थी। आज की वीडियो में क्या है कि कस्टमर आए हैं भाई के पास यूपी से, जिन्होंने जो तीन भैंसें आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी वो खरीदी हैं, और उसके अलावा 7-8 गाय स्पेशली साहीवाल ब्रीड की गाय सेल के लिए अवेलेबल हैं। आगे की डिटेल बातचीत साजन भाई के साथ करते हैं और प्रॉपर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक ही तरह आज HF गाय भी भाई लेकर आए हैं, सेल के लिए अवेलेबल है। डिटेल बातचीत करते हैं साजन जी के साथ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, राम राम भाई। कैसे हो साजन भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया चाहिए। काम का आज घर परिवार कैसा है जी? बहुत बढ़िया भाई, परमात्मा की दया। अच्छी बात है। तो साजन भाई सबसे पहले अपने भाइयों के साथ एक बार यहाँ का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। अपना भाई जी मंडी कालांवाली तहसील हरियाणा सरसा जिला। अपना व्हाट्सएप नंबर है जो 90504058994। ओके जी। कॉल वाला जो 95182116110। सही है जी। तो साजन भाई रूटीन में वीडियो आपके घर से आती रहती है अपने चैनल पर। हाँ जी। आज दोबारा फिर से आया हूँ और पहली बार आपके घर से भैंसे दिखाएंगे वीडियो में। हाँ जी। साथ में गाय जैसे रूटीन में रहती है वो है ही है। हाँ जी। सही है जी। भैंसों का सबब कैसे बन गया भाई, भैंसों के कस्टमर आपके पास कैसे आए? भाई साहब ये कस्टमर क्या, ये तो मेरा भाई है, बस ऐसे मान लो भाई आता नहीं था, मैंने बुलाना पड़ा। ओके। बहुत अच्छा बढ़िया आदमी है, मेरी गाय गई है 4-8 साल पहले। ओके ठीक है, बाकी वो भाई बता दे मेरे लिए जो अच्छा बुरा है ना वो बता देंगे। सही है जी। हाँ। कहने का मतलब पहले से साथ में जुड़े थे, पहले गाय खरीदी थी, भैंसों की जरूरत पड़ी। हाँ तो याद किया नहीं, भैंस उनको गाँव पूरे गाँव में भैंस चाहिए। अच्छा जी। कई बार मैंने पहले काम नहीं बंद हो गया था, क्या कई भैंस वाले भेजे, गाय वाले भेजे, मेरा जब मेरे पिताजी थोड़े वो मेरे घर में डक थी। हाँ जी। फोन नहीं उठाए गए, जब वो खाली गए बेचारे। अच्छा जी। हाँ सही है। अरे बात और भाई। हाँ जी। आज के बाद आपको कोई भाई भैंस लेने वाला झोटी अच्छी, ऐसे नहीं झोटी मेरे घर पे भी, अब मतलब मैं खुद लेके आया करूंगा, अच्छी झोटी अच्छी गाय, HF भी अच्छी गाय, टॉप HF भी आज पहली बार दिखा रहे हैं। ये बात और है, आज मतलब मंडी थी, ये गाय में खोट होता मंडी डाल लेता। सही। ठीक है, 28 किलो दूध गाय में दिया पहले ब्यात में, पहले आगे वाले ब्यात में, तीसरे ब्यात में, अभी 32 किलो दूध दे, 20 प्लस जाएगी आराम से। साजन भाई भैंसों का दाम कहां से शुरू हुआ है? भाई साहब मैं वैसे बताना हूं ना, जैसे और भाई बताते हैं भाई ग्राहक को बुलाने के लिए, जा कम ज्यादा वो कम मेरा नहीं है। भैंस तो है 1.5 लाख रुपए वाली, पर 1.18 में ली है। 1.18 ज्यादा से ज्यादा। हाँ, भैंस 20 किलो वाली। सस्ती कितने में है? 72,000। 72,000 में। हाँ जी। वो दूध कितना दे देगी? दूध वो दे देगी मतलब 12 किलो। 12 किलो से 20 किलो तक दूध हो गया जी, 78,000 से 1,18,000 तक दाम हो गया। हाँ, एक जुटिया ली है जो 86,000 की। 86,000। हाँ जी। अब गायों के बारे में बात करूंगा भाई, 8 गाय है। हाँ जी। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दाम गायों का कितना रहेगा? आज वो ही नीचे लिखेंगे जो कई भाई कहते हैं, लिखते लिख नीचे क्या देते हो बताते क्या हो। बछड़ी है जो स्वर्ण कपिला प्योर 100 की 100 मतलब 51 होने वाली। अच्छा जी। वो देंगे 35,000 की। ओके जी। फिर उससे लेके गाय अपनी है जो आज की गाय लेना देनी 1,05,000 की। 1,05,000 तक 35,000 से दाम जाएगा। हाँ जी। सही है। इधर दो बछड़ियां बाहर बनी हुई, एक बछड़ी साहिवाल है जो आगे वाली वीडियो में लगी, वो सेल हो चुकी है, और उसके साथ में जो बगल में रुकी हुई है स्वर्ण कपिला बछड़ी। हाँ। वो सेल के लिए। गायों का दूध कितना रहेगा जी? दूध भाई आज की गाय जो ऐसे मान लो 13-14 किलो से लेके गाय जो HF है वो तो 30 प्लस वाली, साहिवाल में ऐसे मान लो गाय है 16 और 17-18 किलो के दूध
मतलब 18 ओके जी। तो साजन भाई चंद बातें अपने जो कस्टमर भाई आए हैं उनके साथ आगे फिर एक एक करके पशु चलाएं। ठीक है। राम राम भाई सारे। राम राम भाई। राम कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया जी। बढ़िया बढ़िया चाहिए। क्या शुभ नाम है जी अपना? मेरा नाम है साहब बच्चन चौहान। और एड्रेस? एड्रेस है साहब यूपी और जिला अमरोहा मुरादाबाद। ओके। साजन भाई के पास पहली बार आए? नहीं नहीं, साजन भाई से हमारा एक साल से बराबर संबंध चल रहा है। हमने एक साल पहले इनसे फ़ोन पे ऑनलाइन ही 4 गाय मंगवाई थी और उसमें जो है जो इन्होंने हमसे रकम बताई वो हमने वो इन्हें पहले ही फ़ोन पर डाल दी थी। भाड़ा वाड़ा सब डाल दिया था, लेकिन हमें एक डर था कि कहीं हमने पहले पैसे डाल दिए हैं, फ्रॉड बहुत चल रहा है। सही बात। लोगों ने हमसे कहा कि आपने पैसे डाल दिए हैं कि आपके पैसे मर जाएंगे, लेकिन हमने सुबह तक जब इंतज़ार करा तो सुबह हमारी चारों गाय हमारे पास पहुंच गई। चारों गाय बढ़िया और अच्छे दूध वाली थी। जब एक साल हमने उन गायों का दूध अच्छा देखा तो हमने साजन भाई से फिर दोबारा संपर्क किया और भैंसों के और गायों के बारे में दोबारा बात की। आज भैया जी के पास हम खुद चलकर आए हैं और भैया जी ने हमें आज 3 भैंस जिसकी कीमत 1,18,000 रुपये है, एक की कीमत 86,000 रुपये है, एक की कीमत 82,000 रुपये है। तीनों भैंस एक की बात रहे, एक की बात हो रहा भाई। जो बात कहना कैमरे सामने बिल्कुल खरी कहना। हाँ। कोई मैंने कोई भी दाम की कोई ऊपर नीचे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। बस ये है कि साजन भाई हम 600 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, हमें भी इतना विश्वास नहीं था, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि जो भी फ़ोन पे बोलते हैं इतना दूध है, पहलवन है, दूसरा है, तो वही बात निकलती है। सही है। ऐसा नहीं है कि हमने पैसे फ़ोन पर डाल दिए और हमारे पैसे मर गए हों, लेकिन हम एक साल से बराबर जब हम इनके संबंध टच में आए और इन पर हमें पूरा विश्वास हो गया, आज चलकर हम खुद इनके घर आए हैं और इन्होंने हमें अच्छे पशु दिलाए हैं और आज 3 भैंस हम इन भैया के द्वारा ही लेकर और भी जाएगी जा रहे हैं। और भी मित्र आने वाले थे 5-4 मित्र। हाँ, लेकिन हम उन्हें बाकी को छोड़ा है, मन की भाई इतने सारे आदमी दूसरे के यहाँ कैसे जाएंगे, क्या व्यवस्था है। लेकिन भैया भैया का काम ईमानदारी का है, जो बोलते हैं वो निकलता है और भैया से हमें यही उम्मीद है कि आगे तक हम इनसे जुड़े रहेंगे। बस ओके। करनी है तो भाई जो पहले गाय लेकर गई थी, चंद बातें उनके बारे में करना चाहूँगा। जितना दूध बताया था उतना निकला? बिल्कुल, जो दूध इन्होंने बताया था वही दूध निकला, वही गायों की नस्ल निकली। हमने सिर्फ फ़ोन पर देखी थी, वीडियो कॉलिंग पर। ओके। कितने दिन में जितना इन्होंने दूध बताया था वो पूरा हो गया था? वो इनके द्वारा बताए हुए कि 8 से 9 महीने तक हमारी गायों ने बराबर दूध दिया। 8 से 9 महीने। हाँ। जैसे आज आपके घर पर गाय पहुंची, भाई ने बता दिया कि गाय ये 15 लीटर दूध दे देगी जी, कितने दिन हुए थे आपके घर पर पहुंची को कि गाय ने 15 लीटर दूध देना शुरू कर दिया? 2 गाय तो उनमें भैया ऐसा हुआ कि यहाँ से चल के दी और वो रस्ते में ही ब्यालीं। अच्छा। लेकिन 2-3 दिन मेरे यहाँ खान पान और उसके सिस्टम मिलने में 1 सप्ताह के अंदर अंदर सारी गाय मेरी उसी दूध पर आ गई जो भैया ने बताया था। मेरा पूछने का मकसद यही था क्योंकि देसी ब्रीड थोड़ी ऐसी रहती है कि इनको सेट होने में थोड़ा समय लग जाता है। जी, जी, जी। अगर हम लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे सेट हो जाती हैं, ये थोड़ा देखने वाले भाइयों को आइडिया आ जाएगा कि समय लेती हैं थोड़ा। जी, एक बात और भाई, वो ही गाय इनके गांव के मांग रहे हैं, हम दूसरे एक बात तो आपने दूध पी लिया बेच लिया हमारे को दे दो, नहीं गाय नहीं बेचूंगा मैं। अच्छा सही है जी। तो जो नए भाई आना चाहते हैं, चंद शब्दों ने साजन भाई के काम के बारे में। जो नए भाई आना चाहते हैं वो अपनी गाड़ी लेकर भैया के घर तक आ गए, लेकिन भैया का नंबर जब नहीं मिल पाया तो वो यहाँ से पूरे दिन इंतजार करने के बाद फिर वापिस यूपी वापिस जाना पड़ा उन्हें मुरादाबाद 5 मिनट पहले। हाँ। अच्छा जी। तो और जो नए भाई जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे, भाई का काम कैसा है? भाई मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा जो साजन भाई का जो भी गायों का और भैंसों का काम है, भाई मैं सबसे यही कहूँगा कि विश्वास कर अगर ऑनलाइन भी अगर इनसे पशु आप खरीदोगे तो आपको 1 रुपये का भी धोखा नहीं मिलेगा। इनका एड्रेस, इनका घर हमने भी आज 1 साल के बाद देखा है। तो अगर कोई विश्वास करके अगर ऑनलाइन इनसे वीडियो कॉलिंग करके पशु खरीदना चाहता है तो वो आराम से खरीद सकता है, कोई भी धोखेधड़ी वाली बात नहीं रहेगी। बात और अखिलवीर भाई। हाँ जी। मैं पहली बात तो मेरे भी विचार ऐसे बन गया, भाई व्यापार करना था तो ऑनलाइन मैं उस भाई को भेजूंगा जो 2-3 टाइम पूरी तसल्ली कर ले उसको भेजूंगा, ठीक है, दूध नाप के भेजूंगा। और बाकी मेन बात तो पास में आए,
सही बात है जी। सबसे अच्छा है। तो एक एक करके भाई पशु चलाते हैं, हाँ। साथ में बातचीत। धन्यवाद भाई, अच्छा लगा बात। धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफी हो गई जी, इसे आगे एक एक करके पशु आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। पहले नंबर पर भैंस आ गई आप लोगों के सामने, रंग रूप देख लीजिए, डार्क ब्लैक कलर, अकेला अकेला आंचल, ताजी बिल्कुल ब्याई हुई, और बच्चा है ना जो दोस्तों कहना ही क्या, कटड़ी है बूरी, जो पंजाब और हरियाणा की जान ही रहती है, बहुत डिमांड रहती है इसकी, लेकिन मिलती कम है। साजन जी थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, साथ में भाई डिटेल बता दीजिए भैंस की, डिटेल भी बताते जाइए जी। भाई साहब दूसरे ब्याह की है जी। ओके जी, ब्याई हुई है कल शाम की। कल शाम की ब्याई है, दूसरे बार। सच मानो तो इसका निकाला हुआ, कोई भाई नहीं मानेगा, 4-5 किलो निकाला हुआ है। अच्छा जी, सुबह। ओके, नीचे पार्टी है, उसको कहने की यार भैंस है ना जो, इधर को कर ले भैंस, अच्छे तरीके से दिख जाएगी, जो कहते ना झांसी की रानी। हाँ जी, ये झांसी में ज्यादा चलती भैंस, वो भैंस है। अच्छा जी, झांसी में ज्यादा डिमांड ऐसी भैंस, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा इस भैंस की डिमांड झांसी में ज्यादा है। ओके, क्या दूध की आशा है भाई, कितना दे देगी? भाई मेरे हिसाब से दूध ये भैंस देगी 20+। अच्छा जी, हाँ। और दाम? दाम भाई जी ज्यादा नहीं, चढ़ा पढ़ा के नहीं बताएंगे, जो जितने की ली है ना उतने बताएंगे। ये लिए 1,18,000 की। 1,18,000 की, हाँ। ये तो सेल हो गई, हाँ। और भाई कोई ऐसी भैंस की डिमांड करे मिल जाएगी इसके साथ की भैंसे अपने घर पे रह करिए भी ऐसे ही दाम में? ऐसे दाम में, ये ना हो कि आप अपनी बार दाम मांग लो 1.5 लाख। मैं कह रहा हूँ जो कोई भाई को 1.35 की भी मैं कह दू ना तो मेरे को कह देना यार साजन तू तो उस दिन बात क्या की थी। सही है जी, ले जाइए भाई, बांध ये दूसरी ले भाई, ज्यादा नहीं 2-4 तो हो सकता भी, 2,000 2-4 तो 5,000 तक भी ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ। बांधिए जी दूसरी ले आइए। इससे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों जोटी एक और आ गई आप लोगों के सामने, कटड़ी बोलूं जोटी बोलूं भैंस बोलूं आप लोगों के सामने, एक बार क्वालिटी देख लीजिए, सब देख लीजिए, पूंछ उठा ली जैसे ही राम ना अडर के ऊपर हाथ घुमाने लगा। साजन भाई क्या डिटेल है जी? ये बात और है भाई, बच्चा लगा के तो हर ही हाथ मार, हर कोई हाथ मारता, देख लो ऐसे गाय जैसे गाय भैंस गाय के जैसे पूंछ उठा रखी है उसने। हाँ, इसने ऐसे कोई नहीं रुकती। हाँ सही है। साजन भाई क्या डिटेल क्या है जी इसकी? पहले ब्याह की भाई, पहले बार में। हाँ। कब की ब्याई है? ब्याई को आज हो गए इसको 5 दिन। 5 दिन की ब्याई है पहले बार में। बच्चा क्या जी? नीचे कटिया कटड़ी है। हाँ, तीनों के नीचे कटड़ी। अच्छा जी, हाँ, तीनों ही कटड़ियों वाली, तीनों कटड़ी वाली, अच्छी बात है। दूध कितना मानते हो भाई? दूध भाई मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि 12 किलो अब तैयार है। 12 लीटर अब तैयार, अब तैयार है जो है। कितने पर जाएगी ये दूध भाई साहब? दे देगी ज्यादा मैं नहीं क्योंकि 14 किलो। 14 किलो दोनों समय। हाँ, 13 मानो 14 मानो, पहली जोटिया है ना पहले बार की। और दाम कितने वाली है भाई? हाँ जी, दाम कितने वाली है? दाम भाई जी वो भी बात है, अपने गप मारने वाला काम नहीं, मैं कह दू ये 90-95 के लिए वो काम नहीं। हाँ जी, ये लिए मान लो 86,000 की लिए। 86,000। हाँ, 86,000 की दोस्तों ये जो टीपी हुई है पहले बार में, बच्चा कटड़ी साथ में। और दूध साजन जी कितना बताया था? दूध भाई देगी तो 14.5 देगी, पर आप 13 मान के कोई भाई ले दो। ओके जी, ले जाइए जी, बांधिए। इसे आगे तीसरे नंबर पर जो तीसरी जोटी है जी वो ले, तीसरे नंबर पर दोस्तों जोटी आ गई तीसरी आप लोगों के सामने, ताजी ये ब्याई हुई है, और क्वालिटी ब्रीड कद काठ देख लीजिए, सींग शिंगार देख लीजिए। साजन जी डिटेल बता दीजिए भाई। भाई पहले ब्याह की तो मुंह से 2 दांत, पहले बार में ब्याई हुई है, मुंह से 2 ही दांत है, 2 दांत और ऐसे नहीं, बिल्कुल जेड ब्लैक है, एक भी बाल सफेद नहीं। नीचे पड़े, नीचे पड़े। बच्चा कटड़ी? हाँ, देखो भाई सही है जी, जैसे पहले ब्याह की। कितना दूध दे देगी भाई? भाई साहब जोटी दूध देगी 12 किलो। 12 किलो। और दाम कितने वाली है जी? ये भाई 72,000 की भाई को लेके दी है। 72,000। हाँ। 72,000 की दोस्तों दी गई है, क्वालिटी देख लीजिए, बच्चा कटड़ी, 12 लीटर दूध, बिल्कुल जेड ब्लैक, ताजा ब्याई हुई। ले जाइए जी, बांधिए। इससे आगे गाय ले आइए एक एक। हम आया इससे आगे दोस्तों चौथे नंबर पर, ये पहली गाय आप लोगों के सामने आ गई जी, कद काठ देख लीजिए काफी अच्छा है, साफ सुथरे रंग रूप की प्यारी गाय है दिखने परखने की, और खास तौर पर स्वभाव नोटिस कर लीजिए, मिल्क वेन आप लोगों के सामने है। साजन जी चलाते रहिए भाई, ये देखो भाई ये मिल्क वेन वाली ना, ये सभी भाई को दिखाएंगे आज। हाँ जी, कितना समय भाई, क्या डिटेल? ये 12 से 13 दिन ले लेगी भाई। कौन से ब्यांत के लिए? दूसरा ब्यांत जेनुइन। दूसरे ब्यांत के लिए 12 से 13 दिन अभी पड़े हैं। 4 दांत मुंह से। अच्छा जी, हाँ। दूध कितने की वाली है भाई? दूध भाई साहब 15-16 किलो वाली है। 15-16। 14 किलो इसने पहली बार में दी है।
अच्छा स्वभाव भी काफी प्यारा बिल्कुल है। बात जो कलर है ना गाय का अभी नलाई नहीं, मैं आज गाय ज्यादा थी मेरे पास में, ये भाई आ रहे थे आज गाय नलाई नहीं गई कोई भी। ओके और दाम भाई? दाम भाई जी मोल करो 80-85 कितने के जो ऑर्डर बढ़ाएगी ना। हाँ जी ये मान लो सलबटे निकाल के यहाँ तक लेके आएगी। अच्छा जी और पांचवा अंचल नहीं है बिल्कुल साफ है, देखो ये देखियो नाड़ इसकी सही है जी रस्से के जैसे है। हाँ और दाम क्या करे हो जी? दाम भाई जी मोल कितने करा लो? 70,000 की गाय देंगे। 70,000 हाँ मोल कराना 75 करा लो 80 करा लो कितने करा। ओके जी इससे आगे दूसरे नंबर पर गाय एक और ताजी ब्याई हुई गाय आप लोगों के सामने आ गई जी, बच्चा भी आप लोगों के सामने बछड़ी है और स्वभाव साथ में देखते जाइए कितना प्यारा। साजन भाई डिटेल बता दीजिए। भाई साहब सही बाल में प्योर है। हाँ जी 101%। ओके जी ये देखो हाँ। जो बच्चिया नीचे है ना उसका कहने क्या है वो माँ से भी आगे जाएगी, आगे जाएगी तीसरे दिन में नहीं बच्चा मराम नेना लगा के बच्चा मार के दिखाएं था यहाँ पे रोक ले ले। ओके का देखो चला के दिखा दे बच्चा पकड़ बच्चा। दूध कितने की वाली है जी? दूध भाई साहब अभी 3 दिन की ब्याई है, कोई भाई आ जाए 14 किलो खीस निकाल के दूंगा। 14 किलो खीस अभी 3 दिन की ब्याई के नीचे निकाल के दूंगा भाई हो ज्यादा। हाँ जी जब ऑनलाइन भी ले तो भाई 3 टाइम 4 टाइम दूध निकाल के देख के फिर। ओके और दाम भाई? दाम भाई जी इसका मैं बताया भी मोल कितने ही करा लो। हाँ जी 1,05,000 की दूंगा। 1,05,000 की? हाँ ये तो, बात और है। हाँ जी लेना लिया गाय पाँव उठा जाए न्याने की और पूरी गारंटी फुल रहेगी, लाइव में रहेगी आप लोगों के सामने रहेगी, कोई आदमी आगे नहीं बच्चा छोड़ दिया और बच्चा ही गाय के नीचे बैठ गया। साजन भाई आप आगे मत आना आप उधर ही रहिए एक बार आगे भाई पता कैसे मैं दूर गया हूँ। हाँ जी जो भाई देखने वाले पता तो लगे भाई ठीक है साजन आगे खड़ा आगे। हाँ सही है जी हाँ। ये पानी वाला काम भी मत ही करो भाई। अच्छा नहीं ऐसे ना गाय थोड़ा चाट लेगी छोड़ दो भाई। और साजन भाई कितना दूध पीक लेवल कितना मानते हो आप दे देंगे? भाई 14 किलो अब तैयार है गाय दूध देगी 16-17-18 किलो दूध दे दे पर मैं 16 किलो कह के दूंगा। ओके और दाम 1,15 फुल एंड फाइनल? 1,05 बताया? 1,05 सही है दोस्तों सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। 1,05 फुल एंड फाइनल वाला दाम जो मान सम्मान मौके की बात है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड। धार चेक कर लीजिए गाय की क्वालिटी चेक कर लीजिए जैसी गाय उससे कोई 4 कदम आगे वाली बछड़ी है साथ में। एक बात और है भाई। हाँ जी ये इसमें कोई बात हो ना 19-20 तो मैं बता दूंगा। हाँ जी पर है नहीं गाय में कोई होती है 19-20 भाई बीच में से हल्की भाई लुगाई को दूध नहीं दिया आदमी को दूध रहा मैं खड़े रहा छोड़ दे। ये देखो ये उठ गया ना देखो ये देखिए दोस्तों ऐसी गाय घर घर नहीं मिलती। छोड़ दे भाई बांध दीजिए एक और गाय ले। इससे आगे तीसरी गाय आ गई दोस्तों आप लोगों के सामने ताजी बिल्कुल ब्याई हुई है बच्चा साथ में। साजन भाई डिटेल बता दीजिए। बछड़ा भाई जी कौन से ब्याह में ब्याई है जी? दूसरे ब्याह में भाई। कितने दिन हो गए? हाँ जी दिन कितने हो गए ब्याई? इसको 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन की ब्याई। दूध? दूध अभी निकालने वाला है जो 11-12 किलो तैयार है 2 टाइम 4 टाइम निकाल के दूंगा। कितने पर जाएगी ये दूध? मान लो मैं ज्यादा निकलूंगा 14 किलो दूध देगी। 14 किलो आराम से दे। और स्वभाव इसका भी शानदार ही है। मैं कह रहा ये देखो ना बांधो बांध 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 बेटा बैठ जा नीचे लाइव के जैसे दोस्तों वीडियो चलेगी कोई कट नहीं रहेगा कोई कॉपी नहीं रहेगा और कोई भाई कट पता है कट किसमें होता है जिसमें खोट होता है सही है अपना कट वाला काम ही नहीं बांध बांध। और बाकी फिर भी साजन भाई भी बोलते हैं और उससे पहले मैं भी बोलता हूँ अपना यहाँ आइए तसल्ली करो तसल्ली करो आगे। फिर लेकर जाओ दो टाइम अगर खड़ी आपको लगती है तो ले जाइए अगर खोटी लगती है तो छोड़ दीजिए। भाई जो ऑनलाइन ले रहा बार बार कह रहा हूँ 2 टाइम 4 टाइम 5 टाइम दूध नाप के देखो फिर मन लगाए ऑनलाइन मंगाओ। सही है जी सही है सही है। बाकी दोस्तों आप लोगों के सामने सब भाव देख लीजिए। रस्सा लगा ले बेटा रस्सा लगाने रस्सा लगा दे। साजन भाई क्या दाम है इसका? दाम भाई जी आज का दाम है ना जो गाय बता मैं दाम कैसे सही बता रहा हूँ आज। हाँ जी कई भाई कहेंगे दाम आज बिल्कुल जेन्यून बताया मेरे पास में आज गाय ज्यादा है आई नहीं है सभी। सही है क्या दाम रखा गया जी? दाम आज का दाम रहेगा इसका 62,000 की दे देंगे। 62,000 62,000 फुल एंड फाइनल वाला दाम और बच्चा आप लोगों के सामने है दोस्तों। मैडे हाँ जी धार चेक करा दे बेटा। ये देखिए दोस्तों एक और गाय की धारें आप लोग देख लीजिए
आंचल बच्चा फोड़ रहा आप लोगों के सामने। मैं तो रुक रहा हूँ भाई। दूध कितना दे देगी भाई? भाई दूध अभी 12 किलो निकाल, दूसरे मार 12 किलो निकालने वाला, तोल के दूंगा 12 किलो वीडियो कॉल पे। दो कितना मानते हो कितना दे देगी? मैं इसको ज्यादा नहीं, दूध तो 14-15, 15-16 दे दे, पर मैं तो 14 कहूंगा। 14 और दाम 62,000। इससे आगे दोस्तों ये चौथी गाय आ गई आप लोगों के सामने और लगातार चौथी गाय का स्वभाव देख लो कितना प्यारा। साजन भाई डिटेल बता दीजिए भाई। दूसरे ब्यात में, नहीं सॉरी पहले ब्यात में भाई, पहले ब्यात में जो, हाँ जी, एक साइड बादी आ रही थोड़ी भाई को देखने वाले है। हाँ जी, पर गाय जब बिल्कुल शरीफ गाय है। देखो कितना समय पड़ा भाई पहले बार में? पहले बार में अभी गाय ले जाएगी 8-10 दिन ले लेगी। 8-10 दिन ले जाएगी? हाँ। अडर थोड़ा सा बादी की कारण टेढ़ा दिखा रही है, बादी। वो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं रहेगी? नहीं, ये अब जब बैठेगी ना, जो कोई भाई इस गाय को पसंद करता है, जब मान लो उसको लगे भाई गड़बे की जैसे गोल मटोल नीचे लेपटा है तो ले। ओके, या कोई फर्क वाली बात लगे तो ना ले। ओके, और दूध कितना दे देगी? दूध भाई साहब ये पहले भी आदमी बच्चे दे देगी 14 किलो खुला। दाम? दाम भाई जी इसका रहेगा आज का 55,000 रुपए फाइनल। ओके जी, ले जाइए जी, बांधिए एक और ले। पांचवें नंबर पर दोस्तों गाय एक और आ गई आप लोगों के सामने। क्वालिटी देख लीजिए, कद काठ और खास तौर पर स्वभाव। साजन भाई क्या डिटेल है जी? भाई ये बात और बताऊं, पहले तो बात, हाँ जी, मेरी गाय जब वीडियो में लगती है ना कभी ये चीज नहीं मिलती, आज मेरे भैंस के कारण भाइयों के साथ। चलो कोई बात नहीं भाई, हो जाता है। क्या डिटेल है जी इसकी? ये पहले ब्यात की है जेनून, पहले बार में। हाँ। कितना समय पड़ा भाई अभी? समय भाई दांत देख लो यार, दांत दोस्तों दिखा देते हैं। चार दांत है, चार दांत जो बात है ना वो वीडियो में वही बताएंगे भाई, लाइव के जैसे वीडियो है सामने है सब कुछ। कितना समय पड़ा अभी? अभी ये ले लेगी 10-12 दिन आराम से ले लेगी। 10 दिन ले जाएगी? हाँ। और दूध? दूध बच्चे पहले ब्यात में दे देगी 14 किलो। 14 किलो? हाँ। साहिवाल की टॉप की है, ऐसे नहीं भी इसमें कोई राठी है या देसी है। हाँ जी, दाम कितना भाई? देखो दाम भाई जी इसका रहेगा लेना देने जो है 50,000 रुपए। 50,000? हाँ। ओके, बांधिए एक और। इससे आगे दोस्तों छठे नंबर पर गाय एक और गिर ब्रीड की गाय आ गई आप लोगों के सामने। क्वालिटी देख लीजिए, कद काठ और खास तौर पर स्वभाव देख लीजिए गाय का। साजन भाई डिटेल बता दीजिए भाई साहब। सभी बातें है ना ये देखो। हाँ जी। अरे एक बात और है, जो भी सारी सभी की सभी गाय नाज, किसी को पांचवा आंचल नहीं मिलेगा। अच्छा जी। हाँ सही है, चारों को चारों एक समान। कितने की दूध वाली रहेगी भाई? और कौन सा ब्यात? दूसरा ब्यात है, पहले ब्यात में 14 किलो दूध दिया इसने। इस बार कितना मानते हो? मतलब 15 क्रॉस करेगी, 16 15 प्लस जाएगी। बाकी आप रोजाना वीडियो बनाते हो सलबटे देखो। हाँ सही बात है जी। और दाम? दाम भाई जी इसका आज का रहेगा जो दाम लेना देनी 72,000 रुपए रहेंगे। 72,000? हाँ। 72,000 दाम। ये देखो गिर की पहचान। हाँ सही है जी। और स्वभाव एकदम प्यारा आप बिल्कुल देख लिया। कोई भी भाई आवे ना पास में आके उसको लगे भाई भाग मारना दूर करती है तो मत ले, ठीक है? सही बात है। ये देखो ले आइए जी, बांधिए। इससे आगे दोस्तों एक और जो आज बछड़ी भाई साहब के पास सेल के लिए अवेलेबल है ना जी आप लोगों के सामने आ गई। लग रहा स्वभाव देख लीजिए। साजन भाई डिटेल आप बता दीजिए भाई। स्वर्ण जो कहते हैं, स्वर्ण कपिला, प्योर है 101 पूरे के पूरे, शरीर के ऊपर एक भी बाल कोई काले रंग का नहीं है। अरे एक बात और है, सही वैसे स्वर्ण कपिला ज्यादा पता किस गाय में मिलती है? जर्सी क्रॉस में। अच्छा जी, सही बाल जर्सी क्रॉस में। सही है जी। अरे ये है ना 100 की 100 शुद्ध सही बाल प्रॉपर है। ओके जी, कितने उम्र कितनी होगी भाई? उम्र भाई इसकी होगी लगभग 2.5 साल की। 2.5 साल? दो दांत उठा लिए जा खीरी है अभी? नहीं, दो दांत उठा रही है। दो दांत हो गई। अरे कोई भाई कह दे इसमें कोई फ्राक है जा और है? नहीं, कोई अच्छा तो चेक करा ले अंदर से भी साफ है कि नहीं। अच्छा, कोई वो बात नहीं। ओके, और साजन भाई माँ का कोई दूध वगैरह बताया भाई गया इसकी माँ ना? जो ये गाय मैंने और तो मेरे आसपास गांव से आती है, ये खुद मेरे गांव की गाय है, इसकी माँ देख लेना को भाई, एक थन से तिल होगी उसकी माँ। अभी जब सही गाय हो तो 2.5 लाख रुपए की गाय है। इसका कितना दाम भाई? इसका मोल तो मेरा तो जी तो ऐसे करता भी इसका 60-65 मांगू, पर नहीं, जो भी भाई लेगा 35,000 की फाइनल दूंगा। 35,000? 35,000 की फुल एंड फाइनल? आज कोई भाई कहते 1,500 का मान वो भी नहीं करना। अच्छा जी, बांधिए जी। इससे आगे अंत में दोस्तों आज पहली बार साजन भाई के घर से HF गाय आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक बार गाय की ब्रीड और खास तौर पर गाय का अडर और अडर के ऊपर वेन्स देख लीजिए पास से। साजन भाई डिटेल बता दीजिए, क्या डिटेल है जी भाई जी? ये बात हो रहा है, ये देखियो। हाँ जी,
अरे एक बात और बता रहे हूँ भाई, मेरे कोई ऐसे नहीं है भाई, मैंने चप गाय भाई को मंडी ठंडी देख के ले ली, ये मेरे गांव की गाय है, मेरा खास मान लो कोई बंदा था। ओके इस गाय का रिकॉर्ड मेरे को पूरा बताया इसने, आगे अब तीसरे ब्यात में बहने वाली जो बात है जन वो बताऊंगा। हाँ जी, इसने 28 किलो दूध दूसरे ब्यात में दिया है। ओके अभी 30 प्लस करेगी, अरे गाय जब करके मैं चलो अच्छी गाय भी ले लेंगे। सही है भाई, और अरे वो दिन पूरे होने ना इसके। हाँ जी 30 तारीख को दिन पूरे होने हैं। और क्या दाम रखा भाई? दाम भाई जी इसका लेना देना बता दूंगा एक ही। हाँ जी मोल कराना तो कितने करा लो, सवा करा लो, गाय दे देंगे 1,15,000 की। 1,15,000 की दोस्तों ये गाय आप लोगों को मिलनी है। ब्रीड देख लीजिए, तीसरा ब्यांत अभी समय पड़ा है भाई जी, देख लीजिए 15 दिन तो ये पड़ा, तारीख कितनी होगी? आज तारीख होगी भाई 15 और ऊपर 2-4 दिन ऊपर लेगी, फिर देखना भाई गाय का ऑर्डर क्या बनेगा। और दाम एक एक 15 की देनी है मोल 1,25,000। ओके जी सब आप लोगों के सामने बांधिए भाई, आप आ जाइए। हाँ जी तो साजन भाई फिर ये होगी आज वाले पशुओं की डिटेल। हाँ जी सभी के सभी पशु चलाकर दिखा दिए। हाँ जी अंत में कोई चंद शब्द अपने भाइयों के साथ जो आप बताना चाहो, कोई बातचीत करना चाहो। बातचीत भाई ये कर रहा हूँ, जिसने भैंस लेनी है अच्छी से अच्छी 2, 4, 5, 10 भैंस के पीछे बात हो रहा है, वो धोखाधड़ी वाला काम नहीं करूंगा, उधर आओ इधर जाओ उधर जाओ इधर आओ वो काम नहीं करूंगा। हाँ जी सामने सौदा आगे 2,000 भैंस के पीछे हम जो बात पहले हो जाए, जो जितनी अच्छी झूठियाँ लेनी जितनी भैंस 1, 2, 4, 10, 15, 20 मिलेगी। अंत में एड्रेस और फोन नंबर बता दीजिए। अरे अपना जो पर्स मेरा जो है मंडी कला वाली तहसील हरियाणा, अपना जो सरसा जिला है मंडी कला वाली, व्हाट्सएप नंबर है 90504058994, कॉल वाला जो 95182-16110। ओके जी धन्यवाद भाई, धन्यवाद, अच्छा लगा बातचीत कर।